आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि IPL चल रहा है और अगला मैच कल जिस होने वाला है उसके बारे में आपको मैं कुछ अपडेट्स दे देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताने के लिए। मैं चलता हूँ और कुछ अपडेट्स देता हूँ। जो है वो ओवरऑल बैलेंस्ड है और बेस्ट सूटेड फॉर स्पिनर है, जिसमें कुछ टॉप प्लेयर्स हैं जिसमें नीतीश राणा हैं, आर त्रिपाठी हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, रोहित शर्मा हैं, ईशान किशन हैं, दिनेश कार्तिक हैं जो कि बैट्समैन में ही परफॉर्म करेंगे, और इधर बॉलर हैं जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले इस स्टेडियम पर, जो उसमें प्रसिद्ध कृष्णा हैं, जसप्रीत बुमराह है, कुणाल पांड्या है, साकिब अल हसन है, आंध्र सेल है, राहुल चहर है। और यहाँ पर T20 स्टेट्स भी बता देते हैं आपको। एवरेज टोटल स्कोर 148, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 162, टॉस विनर ऑफ टू बॉल फर्स्ट, तो 80% लोग बॉल फर्स्ट लेते हैं जिसमें से टीम बैटिंग फर्स्ट जीतती है के साथ 60% मतलब चांसेस हैं उसके जीतने के। तो ये तो स्टेडियम के पिच की बात हो गई। अब थोड़ा सा आपको टीम कंपैरिजन बता देता हूँ, जिसमें KKR के चांसेस 40% हैं और मुंबई इंडियंस के चांसेस 60% हैं। और यहाँ पे 5 T20 मैच लास्ट खेले गए हैं दोनों के बीच, जिसमें से 3 मैच KKR ने जीते हैं, 3 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। और पिछले लास्ट 2 ईयर्स में 4 मैच हुए हैं जिसमें से 1 मैच KKR ने जीता है और 3 मैच MI ने जीता है। और आप स्टेट्स भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, टीम की स्ट्रेंथ देखिए, KKR 22 मैच खेले हैं और MI ने 27, जिसमें 44% बैटिंग उनका रहा है, फर्स्ट इनिंग हुआ उनका 50%, इनका सेकंड इनिंग 33% रहा है और चलते हैं आपको इनकी प्लेइंग 11 दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले है ये KKR वर्सेस MI, MI चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। यहाँ पे स्कोर है बीन जो कि इन द टू मैचेस ऑफ चैपा स्कोर है बीन 159 160 187 177। और जो टॉस जीतता है वो बॉल लेगा पहले, इसका उन्हें एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद आपको टीम बता देता हूँ, जिसमें प्रॉबेबल 11 है। KKR के नीतीश राणा खेलेंगे, शुभम गिल, राहुल त्रिपाठी, ऑन मॉर्गन, आंध्र रसेल, दिनेश कार्तिक, साकिब अल हसन, पैट कमिंस, हरभजन सिंह, प्रदेश कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या हैज अ शोल्डर इशू बट विल प्ले द मैच, ओके, डीकॉक इज आउट ऑफ क्वारंटाइन अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, ठीक है। और इधर आपकी मुंबई इंडियंस की टीम है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो कल खेलने वाली है, जिसके प्लेयर्स आपके हैं रोहित शर्मा, क्रिस्लिन और क्विंटन डीकॉक में से, जहाँ तक है क्विंटन डीकॉक को मौका मिल सकता है, लेकिन क्रिस्लिन की बैटिंग भी अच्छी रही है पिछले मैच में, तो देखते हैं किसको वो दे रखते हैं टीम में ये देखने के लिए। प्लेइंग 11 का जो अपडेट होना है जब होगा तब मैं आपको बता दूंगा दोबारा से। और सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन है जो विकेट कीपिंग करेंगे, हार्दिक पांड्या है, कर्ण फ्लॉड हो गए, कुणाल पांड्या हो गए, राहुल चहर हो गए, मार्को जेनसन, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, इन सब की इस टीम के जो प्लेयर हैं और ज़्यादातर बॉलर्स और बैट्समैन दोनों ही अच्छे। ऑन देयर सीजन ओपनर सीजन 2013 दे बाउंस बैक इन स्टाइल इन देयर सेकंड मैच ऑफ अ सेशन इन द फोर्थ ऑफ द लास्ट 5 सेशन सीजन्स ऑफ देयर विंस कमिंग अगेंस्ट KKR नीतीश राणा इज इन हिज लास्ट 6 इनिंग हैज बैक 3 फर्स्ट बॉल डक्स एंड व्हेन ही मैनेज्ड टू सर्वाइव दैट ही स्कोर्ड एट 80 और मोर।
ओके, तो अब आपको प्लेइंग टीम बनाने में आपको बताता हूँ। चलते हैं, टीम बनाते हैं आज कल के मैच की। तो जैसा कि आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोलकाता और एमआई के बीच में हम टीम बनाने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हैं विकेट कीपर क्वेंटन डीकॉक, डीके, ईशान किशन। तो आप चाहें तो डीकॉक को ले सकते हैं, बट अभी डाउट में हैं तो आप इस समय दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा और तो सूर्य कुमार यादव, शुभम गिल, आन मॉर्गन, नीतीश राणा, ऑर्डर पार्टी, ये बैट्समैन हो गए। और इधर से आप हार्दिक पांड्या, इधर से परचून हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहे नीतीश राणा को ले सकते हैं, क्रेडिट का इशू है तो मैं इनको हटाता हूँ एक जगह। सकरसन ऑलराउंडर प्लेयर, इंडिया के साथ जाना चाहूँगा उधर। और अभी इधर जो है बैटिंग के हिसाब से मैं तीसरा राणा को ही रख लेता हूँ, क्योंकि कृष्ण का कुछ कंफर्म नहीं है, खेला नहीं खेला, तो मैं आपको डाउट में नहीं रखना चाहता। नहीं तो और प्लेइंग 11 आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। हार्दिक पांड्या से ज़्यादा है इसके, कितने पॉइंट्स हैं कर्नल पांड्या के देखते हैं। तो उन्होंने एक विकेट दिलवाया है, तो ये मदद करने में आपको सहायक रहेंगे। आप हार्दिक पांड्या के साथ भी जा सकते हैं, जिन्होंने बैटिंग की है और पिछले मैचों में परफॉर्म भी किया है। उन्होंने जब इंडिया था और इंग्लैंड के साथ था तो इन्होंने परफॉर्म भी किया है। हार्दिक पांड्या के साथ भी जा सकते हैं। और बॉलर देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। एक जसप्रीत बुमराह हो गए, प्रतिष्ठित कृष्णा हो गए, और जेनिसन के साथ भी जा सकते हैं आप। और इसमें आप एक राहुल चहर भी अच्छा ऑप्शन है, रन चक्रवर्ती भी है, एट कमिंस में है। मैं जाना चाहूँगा बोल्ट, भी अच्छे बॉलर हैं, एट कमिंस भी अच्छे बॉलर हैं। आप दोनों में से भी कोई एक प्लेयर ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ट्रेंट बोल्ट को लेता हूँ। तो आपको एक बार उसके कप्तान और वाइस कप्तान बता देता हूँ कि मैं किसको रख पाऊँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ट्रेंट बोल्ट को चूज़ करना है, हार्दिक पांड्या। आप चाहे तो वाइस कप्तान डीके को रख सकते हैं, और कप्तान आप तीसरे राणा को भी ले सकते हैं, सूर्य कुमार को भी ले सकते हैं। सूर्य कुमार के साथ जाना चाहूँगा, ये भी एक बेहतर ऑप्शन। आप चाहे तो रोहित शर्मा, इन मार्गों से मैं गिल, इन सब के साथ भी जा सकते हैं। गिल भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। मैं लेकिन सूर्य कुमार के साथ जाता हूँ, जो मेरी गट फीलिंग कह रही है। तो मैं अभी इसको सेव कर देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए टीम का। ये है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और मैं आपको इसी वीडियो लाके लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।